हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में, कंप्यूटर जनरल नॉलेज के बारे में। तो आपको बता दें, पिछले लेक्चरों में हम लोग बात कर चुके हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस तक, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझता। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है, इसे मशीन लैंग्वेज या मशीन की भाषा कहा जाता है। इस मशीन की भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और जिनके द्वारा हमारे सारे काम कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी काम करा पाना असंभव है। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंग्लिश है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन, ठीक। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर तीन भागों में बांटा जा सकता है। सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूएसए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें विंडो, कंपाइलर, फॉर्मेटिंग, यूनिक्स, क्लीनअप, असेंबलर, लिनक्स, बैकअप प्रोग्राम, इंटरप्रेटर, एम डॉस, एंटीवायरस, यूटिलिटी, CIA, डिस्क और डिस्क, DFDCB, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पैकेज, DTP, डिस्क टोपो पब्लिकिंग, ग्रोपिका सॉफ्टवेयर, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, लिनक्स, टाइम शेयरिंग ओएस और रियल टाइम सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने लायक बनाना बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से ही हार्डवेयर अपना निर्धारित काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विंडो, लिनक्स। कार्य की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठ भूमि तैयार करना, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का मत उपयोग सुनिश्चित करना, पेरिफेरल डिवाइसेस का समन्वय एवं नियंत्रण करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करें तो डॉस, विंडोज, यूनिक्स, मैसिंटास सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोग्राम को वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के OP के कार्य बताएं तो कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, मेमोरी और फाइल प्रबंध करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना। OP के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, विंडो 95, 98, 2000, 2000, ME, XP, यूनिक्स, लिनक्स, FC, नेक्स। फिर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
वॉच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग, इस सिस्टम का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण, बिल पेंट करना, पेरोल बनाना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधन के साथ के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्माइल या क्वांटम कहते हैं। फिर है रियल टाइम सिस्टम, इस सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। उपयोग इसका उपग्रह का संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिकों अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि के लिए। फिर मल्टी सिस्टम में प्रोग्रामों के वरीयता क्रम चयन कर भी इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ एसओएस की आवश्यकता, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर के मशीन भाषा को समझ सकता है, पर मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन कार्य है, अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के विकास, असेंबलर, यह क्रियान्वयन से पहले असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर, यह उच्च स्तरीय भाषा की को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मैं सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इंटरप्रेटर, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, यह सोर्स प्रोग्राम के एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उसी गलत समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, इसका मेमोरी से बना रहना आवश्यक है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम एसओएस। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम स्लैश तथा खुले हुए डायरेक्टरी का नाम रहता है, जैसे सी अनुपाति फादर सन। इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1990 में एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए सन 1990 में विंडोज 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ अन्य रूप जैसे विंडोज 95, 98, एक्सपी, ME, विंडो वेस्ट्रा। इसकी विशेषताएं यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इसमें चित्र ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। यह मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ओपी है। इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया ही और उस पर कार्य किया जा सकता है। यूनिक्स विंडो, यह एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास 1970 में बेल लेबोरेटरीज की एन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए गए के लिए बनाया गया मल्टी यूजर तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है और इसमें नेटवर्क संचार तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। लाइनेक्स, यह पीसी के लिए बनाया गया
मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास नेटवर्क प्रयोग के लिए किया जाता है। यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। 2000 में कंप्यूटर निर्माण शीर्ष संस्थाएं IBM, HP, कम्पैक्स, सन माइक्रोसिस्टम आदि ने इसके परिमार्जन व विकास हेतु जीनोम फाउंडेशन की स्थापना की। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को कंप्यूटर में अधिक तेजी और सरलता से करने में मदद करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़े रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक आदि रखने के लिए लिखे गए प्रोग्राम ही एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम बस मौजूद किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेषीकृत, उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है, जैसे रेलवे आरक्षण के लिए सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर। फिर जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर उपयोग से दस्तावेजों, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तक आदि का निर्माण, संशोधन, रूप और आकार में परिवर्तन, व्याकरण और स्पेलिंग चेक करना, प्रिंट आदि कार्य कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यह मुख्यतः सांख्यिकी डाटा को टेबल अथवा रो और कॉलम के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। इसमें चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसका उपयोग मुख्यतः बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उदाहरण विंडोज, पावर पॉइंट, लाइनेक्स के प्रेजेंटर तथा स्टार इम्फेक्स। अकाउंटेड पैकेज, इसके द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, व्यापारिक लेनदेन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, वेंटोरा। फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा ग्राफ चित्र और रेखा चित्र आदि निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। फिर CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने के का कार्य किया जाता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके द्वारा नई मेमोरी डिस्क को उपयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। फिर डिस्क क्लीनअप, इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियाँ तथा अनावश्यक प्रोग्राम व डाटा हटाकर उसकी क्षमता वृद्धि की जाती है। फिर बैकअप प्रोग्राम, कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी अलग मेमोरी डिस्क ऑफलाइन पर भी संग्रहित रखा जाता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी, यह सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के वे सभी साधन आते हैं जिन्हें देखकर या छूकर अनुभव किया जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर के भौतिक रूप से आकार लिए सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम, मॉनिटर, कीपैड, माउस आदि। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं।
कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः ये सभी चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंततः आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के बारे में। ठीक है,